गुड मॉर्निंग, हो गए रेडी? गुड मॉर्निंग जानू। हो गया। अच्छा, क्या सोचा है मैडम ने? आज पूरा 1 महीना हो गया रिटायर हुए तुम्हें, कैसे टाइम बिताना चाहोगे? ठीक से सोचा नहीं है। किताबें तो मेरी दोस्त हैं। थोड़ा वॉक करूंगी, थोड़ा गार्डन में काम, और घर भी अच्छे से साफ किए कितने दिन हो गए हैं। तुम चाहो तो मैं कुछ दिन की छुट्टी ले लेता हूं, कहीं घूम आएंगे। हाँ, वो भी कर सकते हैं, पर तुम तो रिटायर होने से रहे, ले लेकर कितनी छुट्टी लोगे? तुम मेरी चिंता मत करो, ज्यादा बोर हुई तो मम्मी को फोन कर लूंगी। मम्मी, फिर तो हो गया, तुम्हारा पूरा दिन ऐसे निकल जाएगा। वेरी फनी। आज काम पर नहीं जाना क्या? काम पे तो जाना है, चलो मैं निकलता हूं। एंजॉय योर डे। यू टू, लव यू जान, लव यू टू जानो। बाय। बाय। हाँ रुचि, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ। तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ यार, क्या कर रही थी? तू किताब पढ़ रही थी। भी ना, क्या घर पे बैठी रहती है? तुझे पता है मॉल में कितनी अच्छी सेल चल रही है? किस चीज़ पर? कपड़े, जूते, सब कुछ। मैं तो अभी वहीं जा रही हूँ। पर तू अभी 2 दिन पहले तो कितनी सारी शॉपिंग करके आई थी। उसे तो 2 दिन हो गए ना। मैं तो रोज शॉपिंग कर सकती हूँ। अच्छा वो छोड़, तूने मेरी पिक्चर्स देखी? भेजी कब भेजी तूने? नहीं यार, सोशल मीडिया पर डाली थी। ओहो, तुझे तो पता है मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, तू बाबा आदम के जमाने की है। पता नहीं तुझे सोशल मीडिया से क्या प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, ये टेक्नोलॉजी वगैरह मुझे समझ ही नहीं आता। रहने दे रहने दे, इतनी अच्छी टीचर है तू, इतनी इंटेलिजेंट है, और तुझे समझ नहीं आता। उसमें समझना क्या है? चल मैं तेरी प्रोफाइल क्रिएट कर देती हूँ। नहीं यार, अभी नहीं, लगा तो तुझे बोलती हूँ। पक्का? अच्छा चल, मैं फोन रखती हूँ, कहीं सेल की आइटम्स खत्म ना हो जाए। बाय। अच्छा ठीक है, मैं भी घर का कुछ काम करती हूँ। बाय। हाँ मम्मी, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ मम्मी। क्या कर रही थी? अभी जस्ट खाना बनाया, बस बर्तन साफ कर रही थी। क्या बनाया आज? वही सब्जी रोटी और दाल चावल। कल ग्रोसरी स्टोर से फ्रेश भिंडी लाई थी, वही बनाई है। अच्छा, वो पिछली बार थोड़ी बासी मिली थी ना? हाँ, पर इस बार अच्छी ताजा मिली है। दरअसल हमारे यहाँ ग्रोसरी स्टोर्स ने एक अच्छी चीज शुरू की है। वो क्या? वो लोकल किसानों से सब्जी खरीदते हैं और थोड़ा ज्यादा दाम में बेचते हैं। नॉर्मल से थोड़ी महंगी होती है, पर एकदम फ्रेश। और मुझे अच्छा लगता है कि हम किसी प्रकार किसानों की मदद तो कर पाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, काश और स्टोर्स भी ऐसा करें। हाँ मम्मी, मेरी भी यही इच्छा है। अच्छा सुन, तूने वो लड्डू खाए या नहीं? खा रही हूँ मम्मी, इतने सारे भेजे हैं आपने। हाँ, अच्छे से खाना और खाते हुए का मुझे फोटो भेजना। क्यों, आपको क्या लगता है मैं खाऊंगी नहीं क्या? पगली, याद है कैसे तू एक लड्डू 2-2 घंटे तक खाती थी? अरे आप रो क्यों रही हैं? ऐसे ही तेरी याद आ गई। अच्छा बाबा, फोटो भेजूंगी, और अब मैं खाते हुए 2 घंटे भी नहीं लगाती। अच्छा सुन, तू सोशल सर्कल पर क्यों नहीं आ जाती? अपने सब रिश्तेदार हैं उस पर,
और तेरे तो बहुत से दोस्त भी हैं, लोगों से टच में भी रहेगी और तेरा टाइम पास भी हो जाएगा। क्या आप मेरे दोस्तों से भी कनेक्टेड हो? और नहीं तो क्या, अरे आजकल तो ऐसे ही मिलना हो जाता है, ना कहीं आने जाने की जरूरत, ना ट्रैफिक का झंझट, और कुछ लोग तो इतने दूर रहते हैं कि उनसे वैसे भी मिल पाना मुश्किल है। इस सोशल सर्कल की वजह से हम सब मिल तो पाते हैं। क्या मम्मी, लगता है कि मैं मम्मी हूं और आप बेटी हो। मुझे तो ये सब समझ ही नहीं आता। उसमें समझना क्या है? हाँ? एक बार ज्वाइन करके देख ले, अपने आप सीख जाएगी, और नहीं अच्छा लगा तो छोड़ देना। ठीक है मम्मी, देखती हूँ। अरे देख मत, आज ही ज्वाइन कर। अच्छा बाबा, कोशिश करूंगी। अच्छा, और मुझे घर भी साफ करना है, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, चल, लव यू, बाय। लव यू टू मम्मी, बाय।
और कैसा दिन था आज तुम्हारा? अच्छा था। तुम्हारा कैसा था यार? पता है आज मैंने क्या किया? क्या किया होगा? किचन साफ किया होगा या फिर कोई नई किताब पढ़ी होगी? और क्या? वो सब तो किया ही, मगर कुछ और भी किया। तुम शॉपिंग तो जाने से रही, और क्या किया? आज मैंने सोशल सर्कल ज्वाइन किया। अरे वाह, तो मम्मी जी ने तुम्हें आखिर मना ही लिया? हाँ, देखो ना कितने लोगों ने मेरी पोस्ट को लाइक किया है। बहुत बढ़िया। तो कैसा लग रहा है ज्वाइन करके? अच्छा तो लग रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा इसका यूज कैसे करूं। क्या मतलब? मतलब मैं बाकी लोगों की तरह कुछ खाते हुए वेकेशन पर दोस्तों के साथ ऐसे फोटोग्राफ्स नहीं पोस्ट करना चाहती। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, कोई जबरदस्ती थोड़ा है। मगर फिर क्या करूं? तुम ऐसी चीज के बारे में क्यों नहीं पोस्ट करती जो तुम्हें बहुत पसंद हो? मुझे तो रीडिंग पसंद है। तो बस ठीक है, तुमने कोई नई किताब पढ़ी होगी उसके बारे में पोस्ट कर दो। हाँ ये अच्छा आइडिया है। थैंक यू जान। वेलकम जानू। अभी हाल ही में मैंने ये गजल पढ़ी है जिससे कुछ दोस्तों और अपनों की यादें ताजा हो गई, शायद आपके दिल को भी छू जाए। फिर चली हवा मेरे आंगन में, फिर सूरज निकला मेरे आंगन में, कहने को तो यहां जर्रा तक ना था, नजर आया अपना मेरे आंगन में। सपनों की ताबीर हो ना हो, मगर मैंने एक घर बनाया मेरे आंगन में। देनी हो मिसाल तो मजाज सी दो, शफक कभी चांदनी को बुलाया मेरे आंगन में। प्यार से उधर तुमने कुछ कहा, बचपन लौट आया नदीम मेरे आंगन में। मम्मी, 100 साल उम्र होगी आपकी, मैं अभी आपको ही याद कर रही थी। सब ठीक है ना बेटा? जी मम्मी सब ठीक है। अच्छा सुन, मैंने तेरी परसों की पोस्ट पढ़ी, बहुत सुंदर गजल है, मैंने लाइक भी की। जी मुझे लगा ही था कि आपको पसंद आएगी। एक्चुअली मैं चेक करना भूल गई, शायद मेरे और दोस्तों के भी रिस्पॉन्सेस आए होंगे। मैं लॉग इन करके देखती हूँ। मम्मी सिर्फ 2 ही लोगों ने लाइक किया है। अरे कोई बात नहीं, बाकियों ने अभी तक पढ़ी नहीं होगी। हाँ शायद। अच्छा सुन, मैंने इसलिए फोन किया था कि मैंने तुम दोनों के लिए मिठाई भेजी है, 1-2 दिन में मिलनी चाहिए। फिर तो विजय बहुत खुश होंगे। मुझे पता है, इसीलिए उसकी पसंद की ज्यादा भेजी है। और मेरी वाली? हाँ बाबा, तेरी वाली भी भेजी है। अच्छा सुन, मुझे कॉल आ रहा है, मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके बाय। ओके मम्मी बाय।
कीपिंग एलिगेंस इन आवर लैंग्वेज, अपनी भाषा की गरिमा को बनाए रखना ना सिर्फ अच्छी भाषा के प्रचलन के लिए जरूरी है बल्कि ये एक सामाजिक कर्तव्य भी है। हम अपनी अगली पीढ़ी को कैसी भाषा की बुनियाद देना चाहते हैं ये हम पर निर्भर करता है। क्या पढ़ रही हो? वही कुछ हिंदी कविताएं। अच्छा, तुम्हारा वो सोशल सर्कल कैसा चल रहा है? कुछ नई चीज पोस्ट की? कुछ दिन पहले की थी। अब तो थोड़ा टाइम हो गया है तुम्हें सोशल सर्कल पर, कैसा लग रहा है? दरअसल मैंने एक अजीब बात नोटिस की है। वो क्या? जब भी मैं सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करती हूँ तो अक्सर लोग उसी चीज को रिस्पॉन्ड करते हैं जिसमें कुछ मजेदार है, और अगर मैं कुछ ऐसा पोस्ट करती हूँ जिसमें कुछ मतलब वाली बात है तो मुश्किल से किसी का रिस्पॉन्स आता है। जैसे कि? जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक अच्छी पोएम शेयर की थी, फिर भाषा में तहजीब के महत्व को लेकर भी लिखा था। वैसे तुम्हारे सर्कल में काफी लोग हैं जो इन टॉपिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। बिल्कुल, पर ज्यादातर लोग टाइम पास पोस्ट को ही रिस्पॉन्ड करते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है। देखो भाई, मैं तो सोशल मीडिया में इतना एक्टिव नहीं हूं, पर हो सकता है लोगों के लिए सिर्फ ये एंटरटेनमेंट का जरिया बन गया है। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा, तुम्हें लगता है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से भी हो रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो एक ऐसा चैनल है जिसके जरिए हम एक दूसरे से दूर होते हुए भी इंटरैक्ट कर सकते हैं, तो प्लेटफॉर्म में कमी नहीं है। ये बात भी सही है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने में भी मदद कर सकते हैं। मजेदार कंटेंट को लाइक और शेयर करना अच्छी बात है, पर इसके साथ साथ हमें ऐसे कंटेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए जो समाज को किसी भी तरह बेहतर बनाने में हमारी मदद कर सकता है। सुमन, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? मैं सोच रही हूं कि क्यों ना मैं ही अपने तरीके से कुछ कोशिश करके देखूं। आई लाइक इट, ये हुई ना बात। ऑल द बेस्ट जानू। थैंक यू जान। दोस्तों, मेरी ये पोस्ट शायद आप में से कुछ को ठीक ना लगे, पर मुझे लगता है कि ये कहना जरूरी है। अक्सर हम लोग सोशल मीडिया पर मजेदार बातें शेयर करते हैं, पर हम में से कितने लोग हैं जो कि ऐसी बातें शेयर करते हैं या उन्हें बढ़ावा देते हैं जिनसे समाज की उन्नति हो? मैं ऐसा तो नहीं कहती कि ऐसा कहीं नहीं होता होगा, पर मैं अपने सर्कल में जरूर कोशिश करना चाहती हूँ कि हम सोशल मीडिया को सिर्फ मनोरंजन तक ही सीमित ना रखें। जहाँ कहीं भी हमें लगता है कि हम किसी अच्छी चीज में योगदान कर सकते हैं तो उसमें भाग लें, पीछे ना खड़े रहें।
आशा करती हूँ कि मेरी ये कविता आपको प्रोत्साहित करेगी। जीवन के रंग कितने अनूठे, हर रंग निराला, हर रंग विरल। एक ही रंग में सिमट गया, राही तू अपनी चाह बदल। मुस्कान हमारे मन को लुभाए, विचार हमारी चेतना जगाए। तू इन सब को यूं अपना, जैसे हो नदिया का जल। केवल चाह से संतुष्ट ना हो, यदि चाहता है भविष्य उज्जवल। जिस राह में हो तुझे विश्वास, राही तू उस राह पे चल।